हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नरेंद्र। मैं आप सबके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है, पेन ड्राइव को कमांड के थ्रू फॉर्मेट कैसे करना है और पेन ड्राइव के थ्रू हम अपने सिस्टम में विंडो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं आपको एक ही छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको सारी बातें बताऊँगा। तो शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले अपना माय कंप्यूटर ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं अपने सिस्टम के साथ अपनी पेन ड्राइव लगाता हूँ। मैंने अपनी पेन ड्राइव को लगाया है साथ ही, तो मैंने ऑलरेडी ये बूटेबल पेन ड्राइव लगाई है। इसको हम फॉर्मेट करते हैं। ये 16 GB की पेन ड्राइव है। मैं आपको सबसे पहले कमांड के थ्रू इसको फॉर्मेट करना बताता हूँ। तो इसके लिए कमांड मैंने यूज़ करनी है डिस्क पार्ट, जो मैंने ऑलरेडी अभी पहले बूटेबल पेन ड्राइव मैंने बनाई थी, तो दोबारा फिर से बनाने जा रहा हूँ। कमांड यूज़ किया मैंने डिस्क पार्ट। कुछ टाइम लेगा इसको ओपन होने के लिए डिस्क पार्ट को। लिस्ट डिस्क कमांड हमने यूज़ करनी है। इसके थ्रू आपके ड्राइव में, आपके सिस्टम पे जितनी भी ड्राइव्स, आपके सिस्टम पे हार्ड ड्राइव है और दूसरी हमने जो ड्राइव अभी अटैच की है, जो पेन ड्राइव है उसको भी एक ड्राइव ये यूज़ करेगा। तो दूसरी जो ड्राइव अभी आपने पेन ड्राइव अटैच किया उसको भी एज ए ड्राइव ही ये शो करेगा। तो डिस्क वन आपकी है पेन ड्राइव, तो डिस्क जीरो है आपकी हार्ड ड्राइव। तो हमने यूज़ करनी है सेलेक्ट डिस्क वन आपकी पेन ड्राइव। मेरी कमांड गलत हो चुकी है। सेलेक्ट डिस्क वन, क्लीन कर दिया मैंने उसको। क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, अभी उसको मैंने फॉर्मेट किया। फॉर्मेट के लिए कमांड नोट कर लीजिए। अभी जो पेन ड्राइव फॉर्मेट हो रही है उसको मैंने एक्टिव करना है। और ये मान लो आपकी नॉर्मल फॉर्मेट नहीं होती तो इसको आप कमांड के थ्रू ऐसे फॉर्मेट कर सकते हो। ये मैंने फॉर्मेट कर दिया, जो आपका सारा डेटा पेन ड्राइव में था ये सारा का सारा फॉर्मेट हो चुकी है पेन ड्राइव आपकी। ये सारा एग्जिट हो चुका है डेटा आपका। ये देखिए डेटा आपका सारा डिलीट हो चुका है। और अभी इसमें आपने जो बूटेबल फाइल हैं विंडो की, वो आपने इंस्टॉल करनी है। कैसे? इसके लिए आपके पास पावर आईएस होना चाहिए। पावर आईएस मैंने इंस्टॉल कर रखा है। ये आपकी पावर आईएस की इमेज, ये सीडी ड्राइव आपकी पावर आईएस के थ्रू बनी हुई है। तो पावर आईएस के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरी विंडो है वो यहाँ पड़ी है, ये मैंने आपको दिखा देता हूँ। जो मेरी इमेज है वो यहाँ पड़ी है, एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये मेरी है विंडो 7 पड़ी। तो विंडो 7 की जो इमेज है वो .iso है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैंने माउंट करना है इसके अंदर अल्ट्रा एस के अंदर। मैंने अल्ट्रा एसो इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर आपने ड्राइव का पाथ देना है। तो मेरी है वो डी ड्राइव। डी ड्राइव के अंदर मैंने विंडो 7 का पाथ दे दिया। तो ये सारी फाइलें आ जाएं तो इनको आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद पेन ड्राइव में, जो आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बनी हुई है, तो इसको आपने पेस्ट करना है। तो सारी की सारी आपकी ड्राइव में ये सारी की सारी पेस्ट हो जाएंगी। तो पेस्ट होने के बाद ये आपकी पेन ड्राइव बूटेबल बन जाएगी। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखिए सारी की सारी बूटेबल फाइल्स जो हैं विंडो 7 की, वो पेन ड्राइव के अंदर कॉपी हो चुकी हैं। इस तरह से हम जो पेन ड्राइव है बूटेबल बना सकते हैं। अभी हम पेन ड्राइव, ये देखिए जो पेन ड्राइव है वो नॉर्मल, अभी इसमें लग रहा है कि वो कॉपी हुई है पहले। अभी पेन ड्राइव को निकाल के दोबारा फिर से लगाएंगे तो ये देखना क्या होगा।
तो इसका जो आइकन है वो गूगल आ जाएगा। ये देखिए, ये अभी जो आइकन है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि ये नॉर्मल पेन ड्राइव नहीं है, ये बूटेबल पेन ड्राइव है। अभी इसको कोई भी सिस्टम पे लगाओगे तो इसको जो सिस्टम है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पेन ड्राइव से बूट करवाओगे, तो ये पेन ड्राइव से बूट होने के बाद आपकी विंडो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। इस तरह से आपको सीडी या डीवीडी की ज़रूरत नहीं है, तो आप पेन ड्राइव से भी अपने सिस्टम में विंडो इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू। प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे पेज को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें। थैंक यू, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।